पूछती हूँ क्या हो जाता अगर जो नया चंद रोज ईश्वर को 1 घंटे के लिए पढ़ाने चला जाता है, जिन्हें सिर्फ तेरा बेटा नहीं अनवर का भी बेटा है जो तेरी वजह से यहाँ से गया था। खावर का भी हक बनता है, चचा है वो उसका। हाँ, सबका हक है मेरे बेटे पे सिवाय मेरे। उसका भी जो इतने सालों से गायब रहा और पलट के पूछा नहीं, और उसका भी जिसने उसे जाने का मशवरा दिया। किसने जाने का मशवरा दिया था? सब पता है आपको अम्मा, अनवर को जाने के लिए मैंने नहीं कहा था। मैं तो रोती रह गई थी, रोकती रह गई, किसी ने एक ना सुनी मेरी। आप तो जानती हैं कि अनवर के जाने के बाद क्या हालत हुई थी मेरी। उस वक्त कहाँ थे आपके ये हक जताने वाले बेटे, जब मेरे हाथ में 100 रुपए भी नहीं थे और मेरा बेटा भूख से बिलख रहा था। दर बदर मैंने ठोकरें खाई हैं, मदद मांगने के लिए, उधार मांगने के लिए। कहाँ थे उस वक्त खावर और अनवर? तो खावर ने कई दफा मदद करने की कोशिश की है, तू हमेशा उसके मुंह पर पैसे मार देती है। क्यों उससे मदद लेती जिसने मदद मांगने पर मजबूर किया? लोगों का भला हो के मुझे मशवरा दिया उन्होंने कि मैं अपना काम शुरू करूं, अपने पैरों पे तो खड़ी हो गई ना कम से कम। जिस तरह मैंने अपने बेटों को पाला है मैं जानती हूं, आप भी जानती हैं। याद है आपको कौन कौन सा ताना नहीं मैंने सुना, कितनी उंगलियां उठी मेरे किरदार पे? जब मेरे किरदार पे सवाल उठते थे तो मेरे साथ खड़े होने के बजाय आप उनके साथ खड़ी हो जाती थी, याद है? हाँ याद है, और ये भी याद है कि तू रोकर सच्ची बन जाती थी और मैं चुप रह के हमेशा झूठी पड़ जाती थी। मैं नहीं जानती कौन झूठा साबित होगा और कौन सच्चा, लेकिन ये बात मैं कह सकती कि जुनेद ईशल को पढ़ाने नहीं जाएगा, चाहे घर में फारिग बैठा रहे। खावर के आनी भेजूंगी मैं उसे। बस मैं इस मौजू पे और बात नहीं करना चाहती। कड़ी जिद्दी है भाई तू, ढीठ कहीं की, अड़ जाए किसी चीज पे। अगर रुखसाना भाभी ने बात बदल ही दी थी तो आप दोबारा कर लेते। और अगर वो मुंह पे इनकार कर देती तो? हमें उनकी मदद की जरूरत है, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना होगा। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आप रात को भी काम से लेट वापस आते हैं और मुझे भी किसी न किसी काम से कभी निकलना होता है। ईशल को हम किसी और के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते, और सच पूछे तो ईशल भी जुनेद पर राजी हो गई है। जुनेद पे कर सकते हैं भरोसा? जुनेद से ज्यादा हम रुखसाना भाभी की तरबियत पर भरोसा कर सकते हैं। इतनी सख्ती माएँ अपनी बेटियों के साथ नहीं करती जो उन्होंने अपने बेटों के साथ की है। मजाल है फरीद या जुनेद कोई गलत काम करने का सोचे भी। नौजवानी की उम्र में भी ऐसे रखा हुआ था अपने बेटों को, दस से मस नहीं होते थे। भाभी माने तो ना। मैं खुद बात करूंगी, मेरी बात नहीं टालूंगी।